पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया द्वारा प्रदर्शन कर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी द्वारा भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि ज्ञात हो कि प्रदेश इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर, अल्पसंख्यक महिलाएं आदि सभी परेशान हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जिससे अपराध में बढ़ोतरी हो रही है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, दिन दहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार आम बात हो गई है, जिम्मेदार अधिकारी एवं सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। प्रदर्शन करने वालों में जिला अध्यक्ष इसरार सैफी, प्रमुख महासचिव तलहा खान, मंडल प्रभारी युगजन सवाल, सिद्धार्थ चौधरी, मुमताज आलम, महानगर अध्यक्ष समीम उद्दीन आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। देश के अंदर क्या हाल चल रहा है, कानून व्यवस्था का है, किसानों का मुद्दा है और जो भी पेट्रोल वाला मुद्दा है, और एक हमारा एक नया मुद्दा ये चल रहा है कि हमें आए दिन जो है जो एक वो होता है क्या बोलते हैं शेर तेंदुआ वगैरह वो गाँव में आके घुस जाता है। वन विभाग इसके अंदर कुछ नहीं कर रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही, आए दिन पता नहीं कितने लोग जो है इसमें जख्मी हो जाते हैं और इतने गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा है लोगों का, इतने परेशान कर रखा है सरकार ने। हम तो राज्यपाल जी से ये मांग कर रहे हैं कि इनको जो है पूरे मुख्यमंत्री जी को पूरी तरह से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे उत्तर प्रदेश बिल्कुल संभल नहीं रहा।